नमन भाई के साथ थोड़ी हम बर्फबारी लास्ट वीडियो रहा ये वाला, और मतलब इसका कोई पैसा नहीं मिला हमें लेकिन। हेलो नमस्कार दगड़ियों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और ब्रो पहाड़ी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारे साथ हैं विवेक भाई और हमारे पीछे ललित भाई और कैमरा मैन आ जाए नमन रावत। और निकल गए हैं अभी हम लोग, पहुंच गए हैं हम लोग शिवलालपुर चुंगी में, और ये एक रोड चले गए छिरना के लिए, और ये जा रही है सीधा रामनगर मेन मार्केट के लिए। तो भाई लोग आज हमल जान से घूमना कर टंकी फुल। अभी हम चल रहे हैं पहाड़ की ओर, और हमने एक गाड़ी छोड़ दी अपनी आली। Wait a minute. Who are you? और देखिए दोस्तों, जिसको यहाँ पे घूमने आना होता है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट हैं स्टे करने के लिए। देखिए एलिफेंट सफारी होती है यहाँ पे, कैमल राइड होती है, और खाने पीने के बहुत अच्छे अच्छे अड्डे हैं यहाँ पे। ये देखिए दिल वाटिका ये एडवेंचर जोन है। देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको एडवेंचर एक्टिविटी करनी होती है तो उसके लिए, और विलेज वाटिका को रिकमेंड है। और विलेज वाटिका है यहाँ पे बहुत जबरदस्त। चलो भैया, और हम निकल गए हैं अभी मरचुला से थोड़ा सा ऊपर, हिनौला पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद हम पहुंचेंगे ओलेखाल, उसके बाद आएगा पैशिया, और पैशिया के बाद मिलेगी हमें स्नोफॉल। यार सभी पीछे बैठे हैं, मैं भी आराम से खिड़की उड़की डाउन करके, तो अभी हवा का पता नहीं चल रहा, अभी खिड़की खोलते ही लगेगी हवा खुली है, ठंडा लग रहा है। वे वे भाई ले रहे हैं भाई प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद। तो और बारिश पड़ी यार, मुझे लग रहा है यार रोड गीली गीली हो रही भैया, यहाँ हो रही है रोड गीली। पैसे आ गया पैसे। और दोस्तों बर्फ दिखने लग गई हमें, तो दोस्तों यार हम लोग पहुंच गए हैं श्यालदे, और बर्फ दिखनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और मैं लेता हूँ अभी सामने के फुटेज, जबरदस्त एकदम खतरनाक पड़ा हुआ ढांड, यक तो भैजी भयंकर ढांड पड़ रहा है भाई। ठंडू मामला फस चुका है। जा बिच यू इच हमार खतरनाक बर्फ पड़ी जी यार, ओ कच कच आठ है भाई, कच कच गलनी चो भाई बर्फ भी। ओ भाई साहब यार विवेक भाई यक तो बढ़िया हूँ मैं भाई, ओहो क्या बात है यार।
कत करो तेली सानी चा का मूड है तो नमन भाई के साथ थोड़ी हम बर्फबारी लास्ट वीडियो रहा ये वाला और देखिए आप कितना बहुत गहरी बर्फ है एकदम आपका पूरा पंजा आ गया बढ़िया। तो मुझे लगता है कि यार नैनीताल जाने से अच्छा तो अपना यहाँ आना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बहुत बर्फ विजिट करिए और ज़रूर करिए भाई, मतलब इसका कोई पैसा नहीं मिला हमें लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका समय भी बचे। ये बहुत ज़्यादा मतलब पैसे बचाने वाला ट्रिप है अगर आप मनीला की तरफ आएँ नैनीताल ना जाके, मतलब नैनीताल अगर आप जाएं लेकिन आप पहले पता कर लें नैनीताल में कि भीड़ भाड़ तो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप भीड़ है तो आप नैनीताल जाने का आपको कुछ फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। स्नोमैन बना रहे हैं लेकिन हाथ सुनो जा रहे हैं और स्नोमैन विवेक भाई ने बनाने की कोशिश करी थी, विवेक भाई की उंगलियाँ जाम हो चुकी हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें अच्छा लगे या बुरा। Ha ha ha.